आज की जो कहानी है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक कपल जो कैसे जानवरों को अपने बच्चों की तरह संभालता है, उसी की कहानी है। इस कहानी को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर अवार्ड मिला है और कहानी के सिनेमेटोग्राफी को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि इसे बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का भी अवार्ड मिलना चाहिए था। कहानी की शुरुआत में हम बोमन को देखते हैं जो कि इसी जंगल के रहने वाले थे। बोमन कथुनायकन नाम के समुदाय से थे। ये लोग जंगल में ही रहते थे और हाथियों की सेवा करते थे। इस जंगल में काफी सारे जानवर है जो खुलेआम घूमते हैं और इंसानों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले इंसान खुद को इस जंगल का हिस्सा समझते हैं, किसी से भी खुद को ऊपर नहीं समझते। ये दरअसल मधुमलाई टाइगर रिजर्व एरिया है जो तमिलनाडु में आता है और इसमें प्रकाडू नाम का एक एलिफेंट कैंप है जिसकी स्थापना लगभग 140 साल पहले हुई थी और ये एशिया का हाथियों के लिए बना हुआ सबसे बड़ा कैंप है। यहाँ पे छोटे अनाथ भटके हुए काफी सारे हाथियों को लाया जाता है और उनकी देखभाल कथुनायकन इस समाज के लोग किया करते थे। और गांव में रहने वाला ये जो समुदाय था वो जरूरत की सारी चीजों के लिए ये लोग जंगल पे ही निर्भर रहते थे। वही हम बेली को देखते हैं, ये भी इसी गांव में रहा करती थी। अब बोमन हमें बताते हैं कि कुछ समय पहले उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से फोन आया था और रघु इस हाथी के छोटे बच्चे को देखभाल करने के लिए यहाँ पे लाने वाले थे, जिसके लिए बोमन और बेली को चुना गया था। रघु की हालत काफी खराब थी, वो अपने झुंड से अलग हो गया था और कुछ जानवरों ने उसे जख्मी भी किया था। उसके बचने की संभावना बहुत ही कम थी। तब उसे बेली में अपनी माँ की छवि दिखाई दी थी और वो बेली के आगे पीछे ही घूमता था और इसीलिए बेली को भी रघु से काफी लगाव हो गया था। बोमन और बेली दोनों ने भी रघु की काफी अच्छी तरह से देखभाल की थी, जिस वजह से रघु बहुत जल्दी ठीक हो गया था। रघु पूरे जंगल में घूमने लगता है और बाकी हाथियों के साथ भी धीरे धीरे घुलना मिलना शुरू करता है। उसका एक खास दोस्त भी था कृष्णा, जो कि एक बड़ा हाथी था। कृष्णा रघु को सारी चीजें सिखाता था, जैसे घास कैसे तोड़ना है और अगर रघु के पैर में चोट आई तो कृष्णा उसे काफी मदद करता था। एक दिन बोमन रघु के गले में घंटी पहनाते हैं और हमें बताते हैं कि सारे हाथियों के गले में हमने घंटी पहनाई है ताकि जंगल में उन्हें ढूंढने में आसानी हो। फिर हम बेली की कहानी सुनते हैं। वो बताती है कि उनके पति को जंगल में ही वाघ ने मार डाला था, जिसके बाद वो काफी डरी हुई थी, लेकिन वो चाहकर भी इस जंगल से इन जानवरों से दूर नहीं रह सकती थी। वो बताती है कि रघु की देखभाल करना यानी किसी बच्चे की देखभाल करना जैसा है। बिना कहे वो मेरी सारी बातें समझ पाता है। कुछ समय पहले मैंने अपनी बेटी को खो दिया था, जिस वजह से मैं काफी दुखी थी और एक दिन जब मैं रो रही थी तब रघु मेरे पास आया और उसने अपनी सूंड से मेरे आंसू पोंछे थे। इंसान भले ही जानवरों को इतना समझ ना पाए, लेकिन हाथी काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट जानवर होते हैं। हम देखते हैं कि कैसे इस समाज के लोग अपनी जान को खतरे में डालकर इस जंगल को प्रोटेक्ट किया करते थे और जंगल को रिस्पेक्ट देने के लिए वो हमेशा बिना चप्पल के ही यहाँ पे चलते थे। बोमन हमें बताते हैं हाथियों के साथ काम करना खतरनाक भी हो सकता है, खास करके बड़े हाथी, और एक बार बोमन जख्मी भी हुए थे बड़े हाथी के कारण, जिसके बाद उन्होंने बड़े हाथियों के साथ काम करना बंद कर दिया था और वो उनके बच्चों की रक्षा करते थे। फिर हम देखते हैं कि कैसे जंगल का दूसरा स्टाफ इन हाथियों के लिए खाना बनाता है। यहाँ पे रघु को खाना नहीं खाना था, लेकिन उसकी नजर डेजर्ट पर थी, यानी एक नारियल और गुड़ भी रखा था उसके लिए, इसीलिए वो काफी नाटक करता है। और इसी तरह रघु को अपने बच्चों की तरह संभालते हुए बोमन और बेली भी एक दूसरे का ख्याल रखते थे। अब एक दिन रघु और बाकी हाथियों को सजाया जाता है, क्योंकि आज विशेष पूजा का दिन था जिसमें हाथियों के बच्चों को भगवान गणपति से आशीर्वाद दिलाने के लिए लाते हैं। बोमन कहते हैं कि हमारे लिए हाथियों की देखभाल करना यानी भगवान की देखभाल करने जैसा है। थोड़े समय के बाद गर्मियों का मौसम आ चुका था और जंगल के पेड़ पौधे नदियां धीरे धीरे सूखने लगे थे। समय बीतता जाता है और बोमन और बेली को फिर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कॉल आता है और उन्हें एक छोटी हाथी की बच्ची जिसका नाम आमू था, जो अपने समूह से अलग हो गई थी, उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी दी जाती है। कुछ ही हफ्तों में आमू रघु बोमन और बेली के परिवार का हिस्सा बन जाती है। पहले रघु उससे जलता था क्योंकि उसके माता पिता उस पे ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन बाद में वो आमू को एक्सेप्ट करता है। बोमन और बेली का रिश्ता भी गहरा होता है और एक दिन दोनों भी शादी करने का फैसला करते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि बेली की एक पोती भी है जिसका नाम संजना है और वो रघु और आमू की देखभाल में बेली की मदद भी करती है। कुछ लोग समझते हैं कि हाथी गुस्से वाले होते हैं
और वो फसलों को खराब करते हैं, पर जो लोग उनके पास रहते हैं वो जानते हैं कि हाथी शांत स्वभाव के होते हैं, और यदि तुम हाथी को प्यार करते हो तो वो भी तुम्हें प्यार करेंगे। बमन और बेली की शादी के कुछ दिन के बाद ही उन्हें पता चलता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले रघु की देखभाल की जिम्मेदारी किसी और को दे रहे हैं, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका था। दोनों भी उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि रघु को उनसे दूर ना करे, लेकिन ये बात उनके हाथ में नहीं थी। आमो भी काफी बेचैन हुई थी रघु के बिना और रघु को ढूंढ रही थी, लेकिन समय के साथ आमो ने भी रघु के बिना जीना सीख लिया था। वही आज भी बूमन को रघु कभी कभी जंगल में मिल जाता है, जिसे वो काफी खुश होता है। तमिलनाडु में बूमन और बेली ऐसे पहले लोग हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक दो हाथियों के बच्चों की देखभाल की है, और इसीलिए बूमन को हाथियों का पिता और बेलियों को हाथियों की माँ भी कहा जाता है। आज के समय में आमो 3 साल और रघु 7 साल का है और दोनों भी इसी एलिफेंट कैंप में रहते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि अगर इंसान अपने स्वार्थ को छोड़कर जानवर और जंगलों को ऐसा ही प्यार दे, तो ये नेचर भी हमें उतना ही प्यार देगा। बाय बाय।